नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। एक उपरमालिया नाम का राज्य था, उनके नाम राजा का नाम था राजा रत्नेश। बहुत कठोर स्वभाव के थे, लोग उनका कुछ आदर सम्मान नहीं करते। गरीबी दिन ब दिन उनके राज्य में बढ़ती जा रही थी, अशांत लोग। राजा भी अशांत हो जाता क्योंकि लोग उनकी तरफ देखते, अब तो प्रणाम करना भी बंद कर दिया था, उनकी तरफ देखते भी नहीं, मुंह मोड़ के चले जाते। राजा बहुत दुखी था कि ऐसी कैसे राजा हूं मैं, ऐसा कैसे मेरी प्रजा है कि मुझे सम्मान नहीं देती। मन बहुत उचाट हुआ, मंत्री जी को बुलाया, मंत्री वर चलिए हम कहीं घूम के आते हैं, घुड़सवारी करके आते हैं, मन बहुत उचाट है, शायद कुछ हल्का हो जाए। दोनों घोड़े पे बैठे और निकल पड़े। निकलते निकलते बहुत दूर तक चले गए, जंगल के इंटीरियर तक चले गए। वहां पे उन्होंने देखा एक कुटिया, इतनी अंदर एक कुटिया, कौन हो सकता है इस कुटिया में। राजा को अचरज हुआ, घोड़े से उतरे और कुटिया की ओर बढ़ गए। वहां अंदर देखा तो एक महात्मा संत पुरुष बैठे हुए थे। अंदर जाके उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने आदर से उनको विराजने के लिए बोला, अपना परिचय दिया कि मैं राजन रत्नेश, ये मेरा मंत्री संग्राम सिंह। उन्होंने बोला, महात्मा जी ने कैसे आना हुआ इतनी दूर राजन। उन्होंने अपने दिल की व्यथा बताई, उनको दिख रहे थे कि ये महात्मा बहुत पहुंचे हुए लग रहे हैं। अपने दिल की व्यथा बताई कि लोग मेरा आदर सत्कार नहीं करते, मेरे राज्य में अशांति है, मेरा मन उचाट हो रहा है, कुछ उपाय बताइए। महात्मा जी उठे और चल पड़े, आइए मेरे पीछे। दोनों लोग उनके पीछे चल पड़े, महात्मा जी चलते गए। उन्होंने एक पहाड़, सुंदर से पहाड़ के पास पहुंचे, झरने बह रहे थे और मिल के एक दरिया का रूप ले लिया था। वहां एक बड़ी सी चट्टान थी, वो चट्टान के साइड में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, राजन एक पत्थर लाओ और इस चट्टान पे प्रहार करो। राजन गए और उन्होंने एक पत्थर उठाया और प्रहार किया। समझ तो नहीं पा रहे थे लेकिन महात्मा जी का आदेश था इसीलिए उन्होंने एकदम से मान लिया। फिर उन्होंने कहा, राजन अब नदी के किनारे जाओ और गीली मिट्टी लेके आओ और उसका प्रहार करो चट्टान पर। राजन गए, गीली मिट्टी उठाई और उसका जोर से चट्टान पे प्रहार किया। अब सारी गीली मिट्टी चट्टान पर चिपक गई। महात्मा जी ने कहा, यही संसार की प्रकृति है, वो कठोर चीजों को नहीं अपनाती, मुलायम चीजें, कोमल चीजों को ग्रहण करती है। राजन आप अहंकारी हो, कठोर हो, लोग इसलिए आपको नहीं अपना रहे, कुछ काम नहीं करते, दुखी हैं, अशांत हैं, तरक्की नहीं है, इसलिए गरीब हो रहे हैं। आप अपनी प्रकृति बदलिए, कोमल होइए, आपके राज्य में सब सुख शांति वापिस आएगी और आपको सम्मान भी मिलेगा। राजन समझ गए, राजन ने उनको प्रणाम किया और दोनों लोग घोड़े पे बैठे इस दृढ़ निश्चय के साथ कि मैं कोमल बन के लोगों को अपना बनाऊंगा। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस के लोग हों, कठोर लोगों के पास कोई नहीं बैठता और जो कोमल स्वभाव के लोग होते हैं, लोग उनके आगे पीछे मंडराते रहते हैं। तो अगर इज्जत सम्मान प्रशंसा चाहिए तो कोमलता अपनाइए। नमस्कार, जय हिंद।